I welcome you all the viewers watching my video to my YouTube channel Avaaz English Aspirants. Dear viewers, पिछले videos के अंदर हमने जो rules देखे थे कि direct speech को direct speech पे कैसे बदलते हैं and we discussed different kind of sentences. कई तरह के sentences हमने वहाँ पे discuss किए थे. लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे questions भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जो पिछले board exams पे पूछे गए हैं ताकि आप लोग उनको सॉल्व करने के बाद में कुछ कॉन्फिडेंस हासिल कर सको अपने अंदर कि हम कुछ सीखे या नहीं सीखे. ठीक है, उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं आपके एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं. ये किसी बोर्ड एग्जाम में पूछी है, ये पॉसिबली 2017 में क्वेश्चन पूछा है. बोर्ड एग्जाम 17 कंफर्म नहीं है, 17 18 सबको पता है, बट ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है. ठीक है ना, वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. यहां पे देखिए क्या है. द बॉय सेड, The boy says, "Pura, we have won the match." मैं पिछले वीडियो में बात की थी. The boy exclaimed जो है, क्योंकि exclamatory sentence है, तो देखो उसने आधा काम तो हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया. क्या कर दिया? एक बार एक बार तो चेंज कर दिया. Exclaimed जो है ना, ठीक है, खुशी हो रही है ना इसलिए exclaimed जो है कर दिया. वो हमें आगे चल रहा है, आगे कहाँ जा रहा है? रिपोर्टिंग वो चेंज हुई हमें ना कंजक्शन में. Exclaimed sentence में कंजक्शन क्या होता है? दैट होता है. ओके, अब ये बोल रहा था है इसका तो सेंस तो ऑलरेडी आ चुका है. इसके अंदर रिपोर्टिंग करके अंदर फिर सब्जेक्ट पे बोलो, सब्जेक्ट कौन है? इसको ऑथेंटिक सेंटेंस बनाना है ना आपको. तो सब्जेक्ट कौन है? वी. वी मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है. इसका अकॉर्डिंग बनेगा रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या? बॉडी. रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कौन है? द बॉयज. है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? द बॉय मतलब दे, तो क्या बन जाएगा? दे ही बन जाएगा. प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल ही आ रहा है वहां से, है ना, सब्जेक्ट. तो यहां क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा. दे हैव वन. प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा. हैव वन हो जाएगा. हैड वन. दे हैड वन द मैच. तो कितना इजी है ना, अगर आप ऐसे कर लिए आपने तो आपको वन मार्क क्लियर है. ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में. द टीचर सेड टू रमेश, विल यू डू माय वर्क नाउ? द टीचर आस्क्ड रमेश. रिपोर्टिंग को तो पहले ही चेंज कर दी. ओके, अब आगे चल रहा है. देखो देखा है सेंटेंस के अंदर कंजक्शन चाहिए ना. अब सेंटेंस देखा हमने इंटरवेटिव में, तो कंजक्शन क्या लगेगा? इफ या वेदर कुछ ही लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू है ना सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के बॉडी बनेगी. ऑब्जेक्ट कौन है? रमेश. रमेश का मतलब ही. विल को अगर लेंगे तो यहां ही रखना है, क्योंकि अब इसको सेंटेंस में बदलना पड़ेगा ना, जानती है इस बात को. तो ही और विल का अपन यहां पे आ जाएंगे. विल को यूज करेंगे, लेकिन विल यूज करेंगे इसको चेंज करेंगे. फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी ना, विल में चेंज हो जाएगा. इन दी मूड टू माय, ये मूड में चेंज क्यों होगा? क्योंकि हम टेंस चेंज करने वाला हमारा जो नियम है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसमें शैल को सुपर विल की फॉर्म में करते हैं. आपको पता है तो कोई थर्ड पर्सन नहीं हो जाएगा. अपन बी मानते तो आई हो जाएगा.
और अगर एक शहर एक भूल हो गया तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आई हो सकता है ना, यहाँ पर क्या मान रहा है, नहीं मान रहे, फिक्स रूल तो है नहीं इसका, और ही भी हो सकता है ठीक है, या दे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है। वैसे जनरली देखा ही जाता है कि जनरली किसको माना जाता है, बी को माना जाता है इसी कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे अगर हमने बी माना तो आई, यहाँ पे हिम माना हमने या कोई ऑफिसर माना मान लो तो क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे हमने एक से अधिक लोग मान लिया और एक से अधिक लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, दिन ठीक है। और कैन में क्या हो जाएगा, गुड, दे गुड, आई गुड, ही गुड, दे गुड, है ना। ओपन द न्यू ब्रिज, ओपन द, इसमें कोई चेंज नहीं है, न्यू ब्रिज ठीक है। फॉर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक टुडे, टुडे किसे मना जाता है, दैट डे। इस तरीके से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट स्पीच को देखिए, डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस, तो ये क्या है, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और किसका सेंस है, यहाँ पे ऑर्डर का सेंस है, है ना। प्रिंसिपल किसको बोल रहे हैं, क्लर्क को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डू दिस वर्क, इस काम को करो और लीव द ऑफिस, या फिर ऑफिस से चले जाओ, छोड़ दो यहां से ऑफिस को, छोड़ दो ठीक है। तो देखिए उसके उसकी क्या पढ़ी होना, द प्रिंसिपल ऑर्डर द क्लर्क ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, हम स्कूल लगाते हैं, क्लियर। अब देखिए सीधे सेंटेंस से पहुंचिए आप, तू अपने कंजंक्शन लगा दिए, सीधे वर्ब पे जाएंगे, टू डू ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे दैट वर्क हो जाएगा, टू डू दैट वर्क, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेंटेंस को ऐसे किसी लिखते जाएंगे, लीव द ऑफिस। इस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई एक्सरसाइज थी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने राइट डाउन किया बोर्ड पे, तो ये पूछा तो दूसरी तरीके से गया था, लेकिन मैंने इसको डायलॉग फॉर्म में बदला है यहाँ पर, क्योंकि कभी कई बार डायलॉग फॉर्म में भी जाए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायलॉग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ज्यादा हेजिटेट नहीं होना है, और जो बेसिक रूल से उन्हीं का ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से उनको इंटरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। इसलिए आप देखिए ये कन्वर्सेशन होना है दो लोगों के बीच में, है ना, कौन है, तो गोपाल है और एक भूसेल है, तो दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को, उस टॉपिक को हमें इंटरेक्ट स्पीच में बदलते हुए एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है ठीक है। हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पुट भी कर दिया उसने, और उस पैराग्राफ के कुछ आउटलाइन हमें दिए, अब हमें इसको इंटरेक्ट स्पीच में बदलते हुए लिखना होगा। तो देखिए गोपाल इस वाला नहीं वाला सेंटेंस के पास सेंटेंस, हमेशा ध्यान रखिए ऐसे सेंटेंस में फर्स्ट वाला सेंटेंस है जिसको जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड वाला ही होगा बुक्सिल, और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन होगा, गोपाल होगा, यानी अल्टरनेटिवली दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये हमें ध्यान रखने की चीज है, और वैसे तो उसने काफी हमारे लिए क्लियर कर दिया, आसान कर दिया, यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लिया है ऑलरेडी। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट भी लेना नहीं लेना, कई बार इतना छोड़ देता है, गोपाल इंटरेस्टेड सिर्फ, है ना। अब हमें ऑब्जेक्ट पर हमें खुद लगाना होगा, तो क्लियर है जो गोपाल बोल रहा है किससे बोल रहा है, बुक्सेलर से ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, बुक्सेलर, तो बुक्सेलर वाले के ऑब्जेक्ट कौन होगा, गोपाल। तो मान लो नहीं दिए तो भी हमें क्या करना है, तो भी हमें कंसीडर कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है ठीक है। चलो यहाँ तो उसने क्या ऑलरेडी दिए, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुक्सेलर, सीधे सेंटेंस में जाइए, इसी को तो बदलने सबसे पहले, कैसा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव में भी कौन सा है, रिक्वेस्ट वाला, क्योंकि प्लीज यूज हुआ है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर उसने खुद ही ऑलरेडी चेंज कर दिया, अगर वो नहीं करना तो हमें भी आना चाहिए चेंज करना, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुक्सेलर, कंजक्शन के लिए आएंगे, सीधे कंजक्शन में पहुंचना है, नहीं तो क्योंकि रिपोर्टिंग हो तो चेंज हुई, तो कंजक्शन आएगा टू, और सेंटेंस देखिए प्रोवाइड सीधा से किसी। फिर आया मी, तो मी क्या है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और किस पर्सन की फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन की, तो किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, गोपाल खुद है, तो यहां पे क्या है, गोपाल का मतलब ही है प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुकसेलर टू प्रोवाइड हिम ओके सम न्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इस तरीके से हम बदल सकते हैं इजीली, बस हमें बेसिक रूल्स का हमें ध्यान रखना है। द बुकसेलर आस्क्ड, अगला सेंटेंस होता है द बुकसेलर आस्क्ड, है ना, अभी वाली लाइन है, इसको चेंज कर रहे हैं,
बुक से आज सीधे यहां पे हो गया। अब आप यहां पे गोपाल लगा दो यार, गोपाल। अगर आपने प्रोटीन वर्क का ऑब्जेक्ट भी यूज करना चाहते हो कर लो, और निकलना चाहते हो भी नीली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधे सेंटेंस में जा सकते हैं आप। अब कंजक्शन देखो, प्रोटीन वर्क चीज होगी, अब कहते हैं कंजक्शन इंटरमीडिएट सेंटेंस से किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो यही कंजक्शन हो जाएगा विच। अब विच के साथ में जो वर्ड जुड़ा हुआ वहीं पे आएगा विच को। सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, यू है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज, है ना। ये कौन है सब्जेक्ट, इससे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट इसका, ये वर्क का है, वर्क का है, मीनिंग पार्ट है, है ना। इस तरीके से विच बुक, बुक्स है ये, विच बुक्स, तो विच बुक्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू सेकंड पर्सन है, किससे बजेंगे रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, गोपाल है, बुक सेलर रिपोर्टर है, ऑब्जेक्ट कौन है गोपाल, तो क्या हुआ यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म को क्या होगी गोपाल के अकॉर्डिंग ही होगी, गोपाल थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मेल है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है ही होता है, और हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, हमें सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे ले ली है। अब देखिए डू प्लस प्लस को ऊपर ठीक है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से टेंस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये सेंटेंस से इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, है ना, एक्सक्लेमेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, कोई से भी सेंटेंस हो, सभी सेंटेंसेस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, है ना। असर्टिव मतलब इसका जो इंट्रोगेशन है वो खत्म करना है, स्ट्रक्चर तो इस तरीके का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टिव पहले आ रही है, लेकिन हमें उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को खत्म करना है, तो अब उसको असर्टिव जब बनाएंगे तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता है असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट का क्या वर्ब पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अब इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में भी कैसा बनाना, असर्टिव, असर्टिव में जो वर्बिंग कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। गेट प्लस वांट नहीं कर देना, आपको डिड वांट मत कर देना, क्योंकि डिड वांट आप करोगे तो ये जो नेगेटिव और इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हमें तो इसको असर्टिव बनाना है, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, तो विच बुक्स की वांटेड, यहीं पे खत्म हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि हम इंटरगेटिव सेंस से उसको खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल असर्टिव बनाना है ना इसको, इसलिए। चलो इस तरीके से ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला है गोपाल सेट, है ना, गोपाल सेट, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं कर रहा, इसलिए सेट यूज कर लिया है, गोपाल सेट टू सी द कंजक्शन राउ दे, ठीक है। अब थर्ड वाली लाइन को हम क्लियर कर रहे हैं, आई आगे यहाँ पे किससे बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है गोपाल है, रिपोर्टिंग वर्ड का गोपाल है ना, उसके अकॉर्डिंग बदलेगा क्या पे ही, गोपाल सेड दैट ही, ठीक है। आगे वांट, तो वांट का क्या बन जाएगा, वांटेड बन जाएगा, भाई प्रेजेंट में पास्ट में बदल जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, वांटेड सम, आगे क्या है इंग्लिश, ओके ग्रामर बुक, आगे कोई चेंज करने वाली चीज थी नहीं तो हमने भी नहीं की चेंज, फिर आगे सेंटेंस उधर पैराग्राफ में हुआ, द बुक सेलर रिप्लाइड, द बुक सेलर रिप्लाइड, द बुक सेलर टोल्ड, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, यहां पे रिप्लाई वर्ब यूज किया है, ठीक है ना, द बुक सेलर रिप्लाइड, क्लियर, द बुक सेलर ने तो रिप्लाई क्या किया, ये रिप्लाई किया उसने, आई हैव बॉट ए लॉट ऑफ न्यू बुक्स, द बुक सेलर रिप्लाइड दैट आई, है ना, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बुक सेलर ही है, तो क्या होगा ही, ठीक है। कोई भी ले लो, इस तरह के सेंटेंस है वहां पे थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में, ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली एक चीज नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दैट वी, आगे क्या है, हैव, दैट क्या होगा, हैड, ही हैड बॉट ए लॉट ऑफ टिकट्स और न्यू बुक्स, हैव को हैड क्यों किया हमने, क्योंकि टेंस भी तो चेंज करना है ना हमें, सारा पास्ट में चल रहा है, जो रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदलते हैं, और टेंस कैसे बदलते हैं आपको पहले अच्छी तरह से बता चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे टेंस बदल दिया, तो ये हमारा तरीका होता है डायलॉग फॉर्म में दिए गए सेंटेंस को चेंज करने का। अब देखो यहाँ पे तो हमें उसने काफी इजी करके रखा है, कैसे इजी करके रखा है, उसने लगभग आधा काम हमारे लिए कर दिया, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुक सेलर, पूरा चेंज ही कर दिया उसने रिपोर्टिंग पर, हमें सिर्फ उसको चेंज करना था, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना था,
कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ भोपाल ही लिख देगा, सिर्फ भोपाल खाली ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा, लास्ट में जाके लिख देगा सम न्यू बुक्स, समझे बात, भोपाल लिखे सिर्फ में फिर पीछे पूरा खाली छोड़ दिया सम न्यू बुक्स लिख दिया वहां से लास्ट में। तो बीच वाला पार्ट हमें खुद को इन्वाइट करना है, खुद को सोचना है ठीक है क्या आना चाहिए। तो आपको रूल्स अगर पता है, सेंटेंस को आप ढंग से पहचानते हो, रूल्स को आपने अच्छे से ध्यान से देखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने में ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।